बरेली हजियापुर वार्ड 15 में जल निकासी और सड़क टूटी गंदगी को लेकर पोस्ट वार्डन रिजवान हुसैन नियाजी के नेतृत्व में नगर आयुक्त निधि गुप्ता को क्षेत्र वासियों ने ज्ञापन दिया और गली की समस्या को ठीक कराने की मांग की। रिजवान हुसैन नियाजी ने बताया, हजियापुर में सावरी मस्जिद के पास क्षेत्र रहने वाले क्षेत्र वासियों को नाली की गंदे पानी सड़क पर भर जाने से गली में निकलने को लेकर बहुत परेशानी है। गली में गंदा पानी भरा होने के कारण संक्रामक बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा है। हजियापुर शहर की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। यहां की गलियां टूटी पड़ी हैं, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त व जीना मुश्किल हो गया है। क्षेत्रवासियों ने वार्ड 15 के पार्षद से इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं। पार्षद का कहना है, नगर निगम में पैसा नहीं है, गली में ठेले वाले सब्जी बेचने आते हैं, उनके चेले लुढ़क जाते हैं। बच्चे व बुजुर्ग सड़क टूटी होने के कारण कई बार गिर चुके हैं, उनकी चोट आ चुकी है। नमाज पढ़ने जाते हैं तो गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गली वालों ने नगर आयुक्त से गली को ठीक कराने की मांग की। ज्ञापन के दौरान दिलशाद इसाक, मोहम्मद आसिफ, इमरान, वाहिद अहमद, मोहम्मद सलमान, शकील, अजीम अबरार, सिराज आदि लोग मौजूद रहे। नाम रिजवान हुसैन नियाजी है। क्या मामला है? मामले सर, मैं हाजियापुर में ही रहता हूँ और सिविल डिफेंस पोस्ट क्वार्टर में हूँ। मेरे पास ये समस्या लेकर आए थे, तो आज मुझसे आने के लिए कहा था, तो मैं भी देख कर गया था। मामला ये, साबरी मस्जिद है एक हाजियापुर वार्ड 15 में, उसके आसपास जल निकास का मामला बिल्कुल शून्य है। पानी जो है नालियों का सड़कों पर उफान मार जाता है, रोड भी उबड़ खाबड़ है। कई बार इसको अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कल ये लोग माननीय सांसद जी संतोष गंगवार जी यहाँ गए थे, उन्होंने आज यहाँ इनको लोगों को नगर निगम भेजा है। तो अभी हम लोग नगर आयुक्त महोदय को ये ज्ञापन देंगे। समस्या सर बहुत ख़तरनाक है, वहाँ एक मस्जिद भी है वहाँ, और स्कूल में बच्चे वगैरह जाते हैं, उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है। कई ठेले वाले ठेले लेकर लुढ़क चुके हैं, कई कुछ बहुत सारे बच्चों को और बुज़ुर्गों को निकलने में दिक्कत होती है, चोटिल हो चुके हैं। पानी वहाँ निकास न होने की वजह से पानी वहाँ जमा हो जाता है, जिससे हज़ारों संक्रामक रोग पैदा हो सकते हैं, आपको तो पता ही है। और फिर ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो हम लोग यही इसलिए इसी समस्या को लेकर के आए हैं कि IAS आप नगर आयुक्त महोदय IAS हैं, बहुत होनहार हैं, हमने सुना है कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इस आशय से हम सारे हजियापुरवासी अपनी समस्या को यहाँ रखने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर मुलाकात हो जाएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।